हमारे अभिभावक डॉक्टर एस के मिश्रा सर, इस स्कूल के चेयरमैन अविनाश जी, यहाँ के प्रिंसिपल और इस सभागार में बैठे हमारे नेत्री नगर के प्रबुद्ध नागरिकगण और हमारे प्रिय बच्चे और बच्चियाँ, इस संसार में वे लोग बहुत ही आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, नमनीय होते हैं, जो किसी स्कूल या किसी हॉस्पिटल या जलाशय का निर्माण करते हैं। उन्हीं लोगों में से हमारे बीच में अविनाश जी और उनका परिवार है। तो इस अवसर पर मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और इस स्कूल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आप यहां से 12th पास आउट नहीं, आप जा रहे हैं, आपका एग्जाम होगा। आपका यह समय बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है, आप ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां आपको कई तरह के मार्ग, अच्छे मार्ग, बुरे मार्ग मिलेंगे। आपको अपने भविष्य के प्रति सचेत रहना है, आपको ऐसा मार्ग चुनना है जिसमें आप एक आदर्श नागरिक बन सके और देश का, अपने समाज का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सके। बच्चों, बच्चे आप शांति बनाए रखें। तो मैं कह रहा था कि बच्चे आप मेरी पहचान हैं। किसी भी गुरु की पहचान उसके शिष्य होते हैं। आपसे ही मेरी पहचान होती है। आप कहीं ऊंचे स्थान पर जाते हैं और वहां उस पद को सुशोभित करते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वहां के एसपी, वहां के डीसी, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो साइंटिस्ट मेरे विद्यार्थी हैं। तो बच्चे, आप अगर अच्छा करते हैं तो उससे हम गुरुजनों का नाम ऊंचा होता है। तो मैं इस अवसर पर आपके लिए जो बातें कहना चाहता हूं कि फल बीजों से जिस भांति तरु पहचाने जाते, तरु मतलब क्या, तरु का मतलब आप हिंदी में आपको पढ़ाया गया होगा, तरुवर फल नहीं खाता है, तरु मतलब क्या होता है, हाँ तो ही बोल रहे हैं। फल बीजों से जिस भांति तरु पहचाने जाते, शिष्यों की प्रतिभा कौशल से गुरु हैं जाने जाते, प्लेटो अरस्तु यदि न होते तो कैसे होते सुकरात, रामकृष्ण बिन नरेंद्र नाथ रचते कैसे इतिहास। तो नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र नाथ, तो उनके गुरु परमहंस उन्हीं के चलते जाने जाते हैं। प्लेटो और अरस्तु ये ऐसे गुरु थे जिनको हम पहचानते हैं उनके शिष्यों के कारण ही। तो आप मेरी पहचान है, आप के बल पर ही हम गुरु अपने सर को ऊंचा करते हैं और नीचे करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जब यहाँ से पास आउट होंगे, आप कॉलेज में आवेंगे तो वहाँ का माहौल, वहाँ का परिवेश, वहाँ के दोस्त, वहाँ के शिक्षक सब अलग होंगे। तो आपको यहाँ से अच्छे संस्कार लेकर के जा रहे हैं, अच्छे परिवेश से निकल रहे हैं, तो आप उस संस्कार को, उस परिवेश को वहाँ भी सामंजस्य बना के रखेंगे ताकि आप अच्छे विद्यार्थी बन सकें। अभी अविनाश जी ने 2006 की बात बता रहे थे। इनके पिताजी मेरे बहुत परम मित्र थे, पारिवारिक संबंध इन लोगों से है, सब भाई बहने उन्हें बहुत इज्जत करते हैं। तो 2006 की बात बता रहे थे, उस कठिन दिनों की। तो मैं इस स्कूल के विषय में कहता हूँ कि आपने समस्याओं को कभी समस्या नहीं बनने दिया। आपने अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आई, कितनी भी मुसीबतें आई, तो उसको आपने चुनौती दी,
आपने उस चुनौती को ललकारा और इसीलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के शिक्षक और यहाँ के विद्यार्थी समस्याओं को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि कह तो आंधियों से औकात में रहे, ये आंधी जो परेशानी है इससे हम डरने वाले नहीं हैं, कह तो आंधियों से औकात में रहे हैं। संत मरियम स्कूल के चेयरमैन, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, तो आपके हौसले मजबूत हैं, आप जज्बात और जोश के साथ काम करते हैं तो कोई कठिनाई, कोई परेशानी आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और समाज में, इस संसार में प्रत्येक दिन हजारों लोग जन्म लेते हैं और हजारों स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी पहचान बना जाते हैं। उसी पहचान में से अविनाश देव जी आप सबों के सामने, हम सबों के सामने बैठे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए, हर काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलें कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी जीते हैं दोस्तों, सबको जी लेता है जिंदगी, लेकिन तू जिंदगी कुछ ऐसी जियो कि अविनाश देव की तरह मिसाल बन जाए। चंद शब्दों के साथ मैं अपने बच्चों के लिए तो बात करना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारा मतलब आपका विश्वविद्यालय, आपकी यूनिवर्सिटी आपके स्वागत के लिए तैयार है। आप बढ़िया से रिजल्ट लेकर करके आए, हमारे यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, BBA बहुत सारे कोर्सेज हैं और आपकी नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस बार जो आई है वो जॉब ओरिएंटेड है, कई तरह के जॉब, कई तरह के रोजगार के साधन इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप अच्छे अंकों से पास कर करके आएं और तभी आपका हम अपने विश्वविद्यालय में स्वागत कर सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।